इंडिया में इनिशियली ड्रोन्स रजिस्टर करना, यूज़ करना या इंपोर्ट करना बहुत लंबा और टीडियस प्रोसीजर था। एकेडमिया, स्टार्टअप्स, एंड यूजर्स और स्टेक होल्डर्स को बहुत सारा पेपर वर्क, हर ड्रोन फ्लाइट के लिए परमिशन, बहुत कम फ्री टू फ्लाई ग्रीन जोन्स और बहुत सारे स्टेप्स और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। इस साल अगस्त में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स नोटिफाई किए हैं, जो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस, पेपर वर्क और परमिशंस सिग्निफिकेंटली कम करेंगे। नमस्ते मेरे सारे व्यूअर्स को, आज मैं आपसे नए और लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पर एंड तक बने रहें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही कंज्यूमर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। ये नए रूल्स क्यों? अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स UAS या ड्रोन्स, एकेडमिक्स, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वेलेंस, एमरजेंसी रिस्पॉन्स, ट्रांसपोर्टेशन, जियोस्पेशियल मैपिंग, डिफेंस और लॉ एनफोर्समेंट और बहुत से और सिनेरियोज में काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ड्रोन्स एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कारगर हो सकते हैं अपनी रीच, वर्सेटिलिटी और ईज ऑफ यूज़ की वजह से, एस्पेशली इंडिया के रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज में। साथ ही गवर्नमेंट का मानना है कि ड्रोन्स के स्पेस में इनोवेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और डोमेस्टिक डिमांड की वजह से इंडिया 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनने का पोटेंशियल रखता है। बिग चेंजेस इंडिया में ड्रोन्स के लिए। स्टार्टअप्स, एंड यूजर्स और ड्रोन ऑपरेटर्स को अब कॉम्प्लेक्स और पेनस्टेकिंग अप्रूवल्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। पूरा सिस्टम सेल्फ सर्टिफिकेशन और नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग पर बेस्ड है। सभी अप्रूवल्स, सर्टिफिकेशंस, परमिशंस, ड्रोन्स की डिटेल्स, एयर स्पेस मैप और सभी डिटेल्स ऑनलाइन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर होगी। ड्रोन्स को कहां कहां उड़ा सकते हैं बिना परमिशंस के? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप भी डिस्प्ले किया जाएगा ग्रीन, येलो और रेड जोन्स के साथ। एयर स्पेस मैप में ग्रीन जोन अप टू 400 फीट या 120 मीटर का वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा, जहां येलो और ग्रीन जोन डिजिग्नेट नहीं किया है, और ऑपरेशनल एयरपोर्ट के पेरीमीटर के 8 और 12 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में अप टू 200 फीट या 60 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा। एयरपोर्ट के पेरीमीटर से येलो जोन, जो पहले 45 किलोमीटर था, वो अब सिर्फ 12 किलोमीटर हो गया है। पायलट बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? अनलेस आप नैनो या माइक्रो ड्रोन नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, हर एक ड्रोन पायलट के पास वैलिड रिमोट पायलट लाइसेंस होना चाहिए। रिमोट पायलट लाइसेंस में क्लास ऑफ ड्रोन जो पायलट ऑपरेट कर सकता है और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जरूरी है। नए रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेंट को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से अपने ट्रेनिंग के कंप्लीशन के बाद विद इन 15-20 डेज में लाइसेंस, पायलट आइडेंटिफिकेशन नंबर और अनमैंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट मिल जाएगा। इस ट्रेनिंग के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसे हैं। 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th क्लास इंग्लिश मीडियम और रिकग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, और DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑथराइज्ड ड्रोन पायलट ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग। साथ ही आपका रिमोट पायलट लाइसेंस 10 साल के लिए वैलिड रहेगा, और DGCA ही ड्रोन स्कूल्स की देखरेख करेगी, ड्रोन ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स बताएगी और पायलट लाइसेंस ऑनलाइन प्रोवाइड करेगी। ड्रोन्स की कैटेगरीज क्या क्या हैं? ड्रोन क्लासिफिकेशन भी डिक्लेयर हुआ है और 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नैनो ड्रोन कैटेगरी, जिसमें लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम्स ड्रोन्स आएंगे। माइक्रो ड्रोन, जिसमें ग्रेटर देन 250 ग्राम्स और लेस देन और इक्वल टू 2 kgs के ड्रोन्स आएंगे। स्मॉल ड्रोन, जिसमें ग्रेटर देन 2 kilograms और लेस देन और इक्वल टू 25 kilograms ड्रोन्स आएंगे। मीडियम ड्रोन कैटेगरी, जिसमें ग्रेटर देन 25 kilos एंड लेस देन और इक्वल टू 150 kilograms ड्रोन्स आएंगे, और लार्ज ड्रोन कैटेगरी, जिसमें 150 किलोग्राम से ज़्यादा के ड्रोन्स आएंगे। साथ ही नैनो ड्रोन्स की 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड और 15 मीटर ऑल्टीट्यूड रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी गई है, जो फर्स्ट पर्सन व्यू और हॉबी ड्रोन्स के यूज़ में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ड्रोन्स उड़ाने की परमिशंस किनको नहीं चाहिए? माइक्रो ड्रोन्स नॉन कमर्शियल यूज़ और नैनो ड्रोन्स, इन दोनों के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस इशू करने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस की भी ज़रूरत नहीं है।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटिटीज जो ग्रीन जोन में लोकेटेड अपने या रेंटेड प्रमाइसेस में ड्रोन्स ऑपरेट करेंगे उनको टाइप सर्टिफिकेट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और रिमोट पायलट लाइसेंस, इन तीनों की ही जरूरत नहीं है। काफी सारे अप्रूवल्स अबॉलिश कर दिए हैं, जैसे यूनिक ऑथराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एयरवर्दीनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मेंस, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस, इंपोर्ट क्लियरेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रोन्स, ऑपरेटर परमिट, ऑथराइजेशन ऑफ R&D ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर ऑथराइजेशन, ड्रोन पोर्ट ऑथराइजेशन और भी बहुत सारे अप्रूवल्स। साथ ही नैनो और मॉडल ड्रोन्स रिसर्च और रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए एग्जेम्प्टेड है टाइप सर्टिफिकेट के लिए। फीस और रिलेटेड टॉपिक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं? फॉर्म्स के नंबर को अब 25 से कम करके सिर्फ 5 कर दिया है और टाइप्स ऑफ फीस जो ड्रोन के ऑपरेट करने के लिए पे करनी होती थी वो 72 से कम करके सिर्फ 4 कर दी है। साथ ही फीस की क्वांटिटी को बहुत ही नॉमिनल लेवल पर ले आए हैं और ड्रोन के साइज से डीलिंक कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, बड़े ड्रोन के रिमोट पायलट लाइसेंस फी को 3,000 रुपीज से घटाकर अब सभी साइजेस के लिए 100 रुपीज हो गई है, जो 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। मैक्सिमम पेनल्टी को भी अब कम करके 1,00,000 रुपए कर दी है। ड्रोन्स को इंपोर्ट करने का क्या सीन है? कुछ रूल्स ड्रोन्स के इंपोर्ट को लेकर भी आए हैं। ड्रोन्स के इंपोर्ट को अब DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड रेगुलेट करेगा और DGCA के इंपोर्ट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट को भी अबॉलिश कर दिया है। नए रूल्स के अंडर ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया है। इससे ड्रोन टैक्सीज को काफी हेल्प मिलेगी। टाइप सर्टिफिकेट नेसेसरी रहेगा जब तक आप ड्रोन को इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। ड्रोन्स के इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के लिए टाइप सर्टिफिकेशन और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से एग्जेम्प्टेड है। ड्रोन का रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और डीरजिस्ट्रेशन। ड्रोन रजिस्ट्रेशन भी पहले से इजी हो गया है। रजिस्टर करने के लिए ये स्टेप्स हैं। एक ड्रोन परचेज करें जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है। मैन्युफैक्चरर आपको उस ड्रोन के यूनिक सीरियल नंबर्स और कंट्रोल स्टेशन मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा। इन्हीं डिटेल्स को यूज करके डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करें और जैसे ही आपको ये नंबर मिल जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग ड्रोन्स जो इस साल के 30th नवंबर से पहले या तो मैन्युफैक्चर किए गए हैं या इम्पोर्ट किए हैं वो भी सिमिलर प्रोसेस फॉलो करेंगे। ड्रोन को ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर फॉर्म फिल करना होगा अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ ट्रांसफरर, ट्रांसफरी और ड्रोन का UIN। और डी रजिस्ट्रेशन के लिए भी डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर फॉर्म फिल करके अप्लाई करना होगा अगर आपका ड्रोन गुम हो गया है या परमानेंटली डैमेज हो गया है। बाकी सब तो ठीक है, बट ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक वेबसाइट है, एक यूजर फ्रेंडली सिंगल विंडो सिस्टम जहां ह्यूमन इंटरफेस कम रहेगा और मोस्ट ऑफ द परमिशंस खुद ही जनरेट कर पाएंगे। इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप्स, ड्रोन रूल्स, सर्टिफिकेशंस, परमिशंस, अप्रूवल्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, पायलट आइडेंटिफिकेशन नंबर, अनमैंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट, लाइसेंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग प्रोसीजर मैनुअल्स, ट्रेनिंग स्कूल्स और उससे रिलेटेड डिटेल्स, ड्रोन टाइप्स और कैटेगरीज, ट्रांसफर्स और डी रजिस्ट्रेशंस और ड्रोन ऑपरेट करने से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ और रूल्स और बातें। गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है फ्यूचर में DGCA कुछ सेफ्टी फीचर्स जैसे NPNT, नो परमिशन नो टेक ऑफ फर्मवेयर और हार्डवेयर और रिमोट ID, रियल टाइम ट्रैकिंग, ड्रोन का UIN, लोकेशन, ऑल्टीट्यूड और स्पीड ब्रॉडकास्ट करने के लिए और जियो फेंसिंग कैपेबिलिटीज इंप्लीमेंट करेंगे। मैन्युफैक्चरर्स को 6 महीने का टाइम मिलेगा इन फीचर्स और कंप्लायंस अडॉप्ट करने का। साथ ही नैनो ड्रोन्स और प्रोटोटाइप ड्रोन्स सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस से एग्जेम्प्टेड हैं, जो DJI जैसी कंपनीज को हेल्प करेगा इंडियन मार्केट में एंटर करने में। कार्गो डिलीवरीज के लिए भी ड्रोन कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे और ड्रोन प्रमोशन काउंसिल भी सेटअप किया जाएगा एकेडमिया, स्टार्टअप्स और स्टेक होल्डर्स की हेल्प से। कुछ और एडवांसमेंट्स ड्रोन्स को लेकर।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और IIT बॉम्बे को इन नए ड्रोन रूल्स से कंडीशनल एग्जेम्पशन मिला था। ICMR को एक्सपेरिमेंटल BVLOS बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट वैक्सीन डिलीवरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मणिपुर और नागालैंड स्टेट्स की परमिशन ग्रांट हुई थी और IIT बॉम्बे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ड्रोन टेस्टिंग अपने ही प्रेमाइसिस में कंडक्ट करने की परमिशंस मिली थी। लास्ट ईयर डंजो, स्विगी और जोमैटो को DGCA की तरफ से अप्रूवल मिला था ड्रोन डिलीवरीज के फ्लाई टेस्ट के लिए। स्विगी ने नोएडा बेस्ड कंपनी ANRA टेक्नोलॉजीज के साथ टाइप करके ड्रोन डिलीवरी ट्रायल्स स्टार्ट किए थे और विकाराबाद तेलंगाना में मेडिसिंस फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें मेडिसिंस, वैक्सीन्स और ब्लड यूनिट्स रिमोट और रूरल एरियाज में डिलीवरी ऑब्जेक्टिव था, जिसमें डंजो और स्काई एयर जैसे स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही गवर्नमेंट ने रिसेंटली ड्रोन्स के लिए PLI प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी अप्रूव की है, जिसमें ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ 120 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं। इन शॉर्ट, काफी सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं इन रीसेंट मंथ्स में ड्रोन्स और ड्रोन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर, जो इन टर्न इंडिया में नए जॉब्स, नई अपॉर्चुनिटीज और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा। आई होप कि मैंने इस वीडियो में ड्रोन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, नए रूल्स और रेगुलेशंस आप सभी से शेयर किए हैं। मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां जाके भी आप इन सब के बारे में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वो भी कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको ऐसे ही कंज्यूमर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।